गाइज वेलकम टू पोकी आर्क। फिलहाल गाइज मैं चार्जर्ट के ऊपर पोकीमॉन्स ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि गाइज लास्ट एपिसोड में आप सभी भाई लोगों ने देखा था कि कैसे क्या हो गया था यार, मेरे पोकेमॉन पोकी बॉल्स में कुछ ग्लिच हो गया एंड मेरे सारे के सारे जो पावरफुल पोकेमॉन्स थे वो सारे के सारे गायब हो गए यार। एंड आज मुझे एक पोकेमॉन टीम बनाना है एंड और एक गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ बोलते ही आप लोग को तुरंत लाइक करना पड़ेगा। आज गाइज पोकेमॉन वायलेट का दूसरा पार्ट आने वाला है और इतना बढ़िया होगा कि आप लोग लिखोगे यार बोल्ड भाई क्या बात। चलो पोकेमॉन पकड़ते हैं अभी। सो गाइस जो पहला पोकेमॉन मैं पकड़ने जा रहा हूं, इधर मैं क्यों रुका क्योंकि गाइस मेरे को यहां पे पिजियोट दिखाई दे रहा था। अभी ये देखो गाइस पिजियोट एंड एक नहीं यहां पे दो पिजियोट है एंड मेरे पास ये टीम रॉकेट का पोकीबॉल है। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, ये टीम रॉकेट का पोकीबॉल ना एक टाइम में कैच कर लेता है, ठीक है। कैप्चर्ड आई थिंक 95% कैप्चर रेट है, एक तो खराब हो गया यार। ओके अरे एक और गया गाइस, अब इसको पकड़ते हैं। उरी यस यस लगा। आप लोग देखिएगा कि कैसे गाइस ये बिना मेस के इसको कैप्चर कर लेगा। तो गाइस पिजियोट इज हियर, तो मैंने पिजियोट को पकड़ लिया। अब मैं अब से गाइस कभी भी पोकी बॉल्स के अंदर रखूंगा नहीं, मैं डायनो स्टोरेज बॉल बना लिया हूं तो इसमें ही रखेंगे। एंड यहां पे एक फियरो है, चलो इसको भी पकड़ लेते क्योंकि गाइस फियरो ड्रिल इंपैक्ट देता है, तो ये अभी मेरे को ड्रिल इंपैक्ट डेफिनेटली मारने के लिए आएगा शायद से। ये देखो मेरे को मारने की कोशिश कर रहा है बट ये मेरे को मार नहीं पाएगा क्योंकि ये अब मेरे टीम में आ गया है, ठीक है। और भी देखते हैं कोई आसपास पोकेमॉन्स है क्या। नहीं। एंड गाइस यार प्रीवियस एपिसोड में डिओक्सिस ने बोल करके गया कि यार किसी भी वक्त यहाँ पे रेक्वाजा आने वाला है, तो इसलिए मुझे अपना टीम बनाना ही पड़ेगा यार, रेक्वाजा को हराना पड़ेगा। गाइस रेक्वाजा को हरा करके मुझे मास्टर बॉल से पकड़ना पड़ेगा। एंड अभी आप लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि बोल भाई आपके पास तो मास्टर बॉल है, आप टूरन यार रेक्वाजा के ऊपर मास्टर बॉल फेंक सकते हो। भाई एक चीज़ मैं आप सभी भाइयों को बोल देता हूँ, यार रेक्वाजा के ऊपर हम लोग टूरन मास्टर बॉल नहीं फेंक पाएंगे क्योंकि रेक्वाजा मेरे को अटैक कर देगा। मास्टर बॉल फेंकने के लिए उसको पहले इंजर्ड करना पड़ेगा, हाफ हेल्थ में लेके आना पड़ेगा, तभी मैं उसके ऊपर मास्टर बॉल फेंक पाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट गाइस, जो चलो गाइस पिजियोट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड आप उरे पॉप गाइस, ये तो एयर कटर छोड़ सकता है गाइस। ओके यहाँ पे एक अर्जेंटा फिश है, तो चलो गाइस यार अर्जेंटा फिश ना यार डायनासोर दुनिया का पिजियोट है, ये मैं खुल के बोल सकता हूँ यार, क्योंकि यार पिजियोट के पास भी हीलिंग एबिलिटी है एंड अर्जेंटा फिश के पास भी हीलिंग एबिलिटी है। एंड यस सेबर टूट के साथ पंगा ले रहा है, ये तो मर गया गाइस सेबर टूट। अब चलो गाइस इस अर्जेंटा फिश को टक्कर देते हैं गाइस। ऑल राइट अर्जेंटा फिश हियर इस पिजियोट, आ जाओ। अरे यार एयर कटर से 10-20 ही डैमेज दे रहा हूँ, बट गाइस मैं पंजे से यार क्लॉ से देख सकते हो 594 के आसपास डैमेज दे रहा हूँ। बट यार अर्जेंटा फिश को मारना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि गाइस अर्जेंटा फिश अपने आप को आराम से हील अप करा सकता है, ठीक है, हील अप कर सकता है। और ये एबिलिटी गाइस पिजियोट के पास भी है। ऑल राइट। अरे गाइस मैं इसको मार भी नहीं पा रहा हूँ, पंजा क्यों नहीं मार पा रही यार। ओके थोड़ा सा दूर जाते हैं। ओके अब चलो फिर से एयर कटर मारते हैं इसके ऊपर। यस लगा यार 30 डैमेज दिया एयर कटर से, बट एक चीज आप लोग क्लियरली देख सकते हो यार अर्जेंटा फिश ब्लीड कर रहा है, ब्लीडिंग डैमेज दे रहा है। एयर कटर क्योंकि कट करके रख देता है ना, तो इसलिए गाइस ब्लीडिंग डैमेज देता है। ऑल राइट गाइस मुझे तो इसको पंजे से ही मारना पड़ेगा। ऑल राइट एक मिनट थोड़ा सा दूर जा लेता हूँ। एंड नाउ लेट्स ओरे गाइस ये लगा कैसे नहीं यार, ये क्यों नहीं लगा यार, ये तो लग जाना चाहिए। ओके आई एम गोना अटैक हिम गाइस अभी भी नहीं लगा यार। गाइस ये अर्जेंटा फिश तो काफी डॉच कर रहा है यार। ओके अर्जेंटा फिश यू आर चैलेंजिंग ए वेरी पावरफुल पोकेमॉन। ओके गाइस एक मिनट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा एंड देन जपत से इसको पंजा मारना पड़ेगा, ठीक है। ये एयरकॉटर कहाँ पे चला गया आप लोग लिटरली देख पा रहे हो। ऑलराइट मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। अब चलो मारते। अरे गाइस ये कैसे नहीं लगा यार, गाइस ये कैसे नहीं लगा यार। एक काम करते हैं गाइस, वेट कर रुक के फर्स्ट पर्सन कर लेते हैं एंड अब लगेगा। ये देखा 594 डैमेज दिया, ऐसे मुझे इसको हराना पड़ेगा, ठीक है। अर्जेंटा फिश यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग यार, मुझे लगा ही नहीं था कि गाइस ये अर्जेंटा फिश इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ऑलराइट I'm gonna defeat him for sure guys, for sure. एक मिनट अरे अभी भी मार नहीं पा रहा हूँ। फिर से वही सेम टेक्निक यूज करना पड़ेगा, मुझे रुक करके फर्स्ट पर्सन में अटैक करना पड़ेगा। एंड इसी के साथ गाइस मैंने अर्जेंटा फिश को हरा दिया। आप गाइस जैसे कि देख पा रहे हो पिजियोट का हेल्थ बहुत बढ़ गया है। अरे बाप रे गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यार, मिली डैमेज हेल्थ वेल्थ सब कुछ बना दिया हूँ। अब मज़ा आने वाला है, अब मेरे टीम में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ गया है 221 लेवल का, अब बहुत बढ़िया होने वाला है। एंड गाइस पिजियोट भी शायद से मेगा इवॉल्व होता है ना, आई थिंक होता है राइट। ओके तो पिजियोट का पावर तो मैंने देख लिया हूँ। अब चलो गाइस पिजियोट को करते हैं बॉल के अंदर। एक मिनट बॉल के अंदर करने से पहले मेरे को यहाँ पे कोई पोकेमॉन का आवाज़ सुनाई दिया था, पता नहीं शायद से वहम होगा यार। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यार रेक्वाजा ऑलरेडी आ ही चुका है इस दुनिया में। अरे अब तो यार भगवान जानेगा यार आया है कि नहीं। एंड यहाँ पे तो एक चार्जर्ट है, तो चलो गाइस चार्जर्ट को टक्कर देते हैं यार, मज़ा आने वाला है गाइस। चार्जर्ट वर्सेस चार्जर्ट होने वाला है, लेट्स डिफीट दिस चार्जर्ट। अगर चार्जर्ट को हराऊंगा
ओके 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 गाइस, ये मेरा आयरन टेल तो लगा ही नहीं इसके ऊपर. एक मिनट एक मिनट. ऑल राइट गाइस, मुझे फ्लेम थ्रोअर का यूज करना ही पड़ेगा. ओ गाइस, अरे गाइस, मैं इसके ऊपर फ्लेम थ्रोअर फेंक ही नहीं पाया यार, बट इसने मेरे ऊपर फ्लेम थ्रोअर फेंक दिया यार. अरे 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 अरे, एक मिनट, डॉच कर मुझे इसको हराना पड़ेगा गाइस, क्योंकि ये जो सामने वाला चार्जर है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरे वाले चार्जर से स्ट्रांग है. गाइस ये देख सकते हो, इसने मेरे को लिटरली गिरा दिया यार, मैं तो गिरा तीना बन गया यार. ऑलराइट गाइस, एंड अभी तक आप लोगों ने यहां तक देखा और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब तो बनता है ना दोस्तों, सब्सक्राइब बनता है यार, अपने बोल भाई को सब्सक्राइब कर ही दो यार. ऑलराइट गाइस, 1.2k हेल्थ अभी भी रह गया इसके पास. एंड गाइस, अगर मेरे पास हीलिंग फेस ना होता तो मेरा चार्जर तो कब का हार जाता यार, कब का हार जाता यार. ऑलराइट लेट्स किल हिम. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, डेफिनेटली हराना तो पड़ेगा ही. अरे गाइस, लगा ही नहीं पा रहा हूं यार. अरे गाइस, क्या डैमेज दे रहा है ये मेरे को, गाइस क्या डैमेज दे रहा है. आप लोग मेरे हेल्थ पे ध्यान दो, ठीक है, मतलब मेरे चार्जर के हेल्थ पे ध्यान दो. मैंने हरा दिया यार, बट वो सामने वाला चार्जर कम नहीं था. एंड गाइस, मुझे पोकेमॉन क्रेडिट्स में मिला, मजा आ गया. अब चलो गाइस, पोकेमॉन्स पकड़े. यहाँ पे गाइस मुझे एक लाइकन रॉक दिखाई दे रहा है, एंड ये लाइकन रॉक आई थिंक गाइस, एक मिनट, ये पोकेमॉन सिकनेस में क्योर कर लेता हूँ. एंड ये लाइकन रॉक, एक मिनट, तू आ जा बॉल के अंदर. नहीं, इसको अभी नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट इसको पकड़ लेता हूँ. ये देख सकते हो लाइकन रॉक, ये डार्क वाला है ना गाइस, ये एस केचम के पास था ये वाला लाइकन रॉक, यही वाला था ना गाइस, हाँ यही वाला था शायद से. ऑलराइट गाइस, लाइकन रॉक आ चुका है, अब और भी पोकेमॉन्स पकड़ने पड़ेंगे. आज तो मैं यार 60-80 पोकेमॉन को तो डेफिनेटली पकड़ने ही वाला हूँ यार, एटलीस्ट यार 6 पोकेमॉन तो चाहिए मेरे टीम में, ठीक है, एंड पावरफुल पोकेमॉन चाहिए. ओह गाइस, यहाँ पे मैंकी है, उसको भी पकड़. उरी मैंकी छोड़ो गाइस, वहाँ पे ब्लेजी कैन है यार, बट मैं मैंकी को भी पकड़ने वाला हूँ एंड ब्लेजी कैन को भी पकड़ने वाला हूँ, एंड हर एक पोकेमॉन को पकड़ने वाला हूँ जो कि मेरे सामने आएगा, ठीक है. एंड ये टीम रॉकेट पोकीबॉल्स काफ़ी बढ़िया है यार, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से ये बनाया गया पोकीबॉल है. आ जा ब्लेजिकन 2 भी आ जा. यस, सो गाइस, कुल मिला करके मेरे पास अभी ब्लेजिकन है, लाइकन रॉक है, इलेक्ट्रीवायर है, चार्जर्ड है, पिजियोट है, फियरो है, तो है मेरे पास कुछ पोकेमॉन्स तो है, बट और भी मुझे पोकेमॉन चाहिए क्योंकि ब्लेजिकन अभी भी इतना भी स्ट्रांग नहीं बना है, ठीक है. ये देख सकते हो मैं ब्लेजिकन को ट्रेन कर रहा हूँ, अच्छा खासा है यार, अच्छा खासा है, डैमेज वेमेज तो आराम से दे लेगा. बट यार रेक्वाजा के सामने, नो 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 गाइस, रेक्वाजा के सामने ये लोग कुछ भी नहीं है यार. रेक्वाजा ना गाइस, रेक्वाजा क्या कर सकता है, एक मिनट मैं गामा बढ़ा लेता हूँ. रेक्वाजा यार मेगा इवॉल्व भी कर पाएगा यार, एंड मैंकी यार तू भी, मैं तेरे को भी पकड़ लिया, बट मैंकी को प्राइम एप भी बनाना पड़ेगा, ठीक है. प्राइम एप मैं इसको डेफिनेटली बना दूंगा यार, प्राइम एप इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल फाइटर पोकेमॉन. एंड ये देख सकते हो, बाप रे, इसने तो पेड़ वेड़ सब कुछ उखाड़ दिया भाई, तू पावरफुल तो है यार, छोटा पैकेट बट तू बड़ा धमाका तो डेफिनेटली कर सकते हैं. एंड मुझे और भी पोकेमॉन्स को पकड़ने जाना है. एक मिनट गाइस, मैं इसके ऊपर थोड़ा बहुत सवारी ले लूँ क्या, ले लूँ क्या इसके ऊपर सवारी लू की नहीं. नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ, सारे के सारे को यार बॉल में डाल लेता हूँ, ठीक है. सो गाइस, मैंने सारे के सारे अपने पोकेमॉन को अंडर कर लिया हूँ. एंड गाइस, यहाँ पे नॉइवर्न है, एंड नॉइवर्न एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है. एंड गाइस, सामने अगर एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन होगा उसको नहीं पकड़ेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है ना. एंड ये तो ट्रेवनेंट है यार, नहीं ट्रेवनेंट को नहीं. अरे गाइस, मेरा राइट शू मिल गया यार, गाइस मुझे अपना राइट शू मिल गया यार. एंड ये राइचू अलग क्यों लग रहा है यार, मैंने अपने राइचू स्टार्टर पोकेमॉन को खोया था. अब तू आ जा दोस्त यार, मैंने तेरे को बहुत ज़्यादा मिस किया. नॉइवर्न 2 भी आ जा. अरे मेरे को अटैक करेगा क्या दोस्त, नहीं आई थिंक राइचू ने ट्रेवनेंट को मार दिया क्या. अरे नहीं नहीं यार, चार्जर्ड वर्सेस ट्रेवनेंट हो रहा था. अरे राइचू मत जा, अभी नॉइवर्न भी अपने टीम में ही है, ठीक है. ऑलराइट गाइस, देख सकते हो अब नॉइवर्न आ गया, फिर से राइचू आ गया. इन लोग का बॉल में डाल लेते हैं, इन लोग का लेवल अप मैं बाद में कराने वाला हूँ, एक साथ सारे के सारे को लेवल अप कर देंगे, ठीक है. ऑलराइट गाइस, थोड़े से पैडल जाऊँ क्या, पैडल जा करके यहाँ पे तो डायनासोर अंडे है, और एक काम करते हैं, चार्जर्ड के ऊपर ही बैठ लेता हूँ. हाँ, चार्जर्ड के ऊपर ही बैठ लेता हूँ, ऊपर से देखना पड़ेगा. ऊपर में शायद से स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स मेरे को देखने को मिल सकता है. मैंने ट्रेवनन को इधर हरा दिया, क्योंकि गाइस ट्रेवनन को हराने के बाद गाइस मुझे पोकेमॉन क्रेडिट्स मिला. एंड पोकेमॉन क्रेडिट्स मैं क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ, बिकॉज गाइस पोकेमॉन क्रेडिट्स से हम लोग पोकेमॉन्स को खरीद पाएंगे, ठीक है, लिटरली. एंड यहाँ पे एक कारण तो सोरा से, इसको अगर फ्लेम फॉर मारेंगे तो एक ही बार में मर गया यार, बर्निंग डैमेज दिया ना ब्रो. ऑलराइट गाइस, तो एक मिनट, चार्जर्ड का लेवल अप शो कर रहा है, चार्जर्ड अभी फिर से स्ट्रॉन्ग बन रहा है गाइस, लकीली यार चार्जर्ड लेवल अप तो हो रहा है ना. एंड यार मेगा चार्जर्ड बनाने के बाद फिर से इसका लेवल 110% डाउन हो ही जाएगा. एंड यहाँ पे गैसली है, एंड मुझे गैसली को भी पकड़ना है, क्योंकि गैसली को मैं गेंगार बना पाऊंगा, ठीक है. एंड गेंगार इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग घोस्ट टाइप पोकेमॉन, डेफिनेटली द स्ट्रॉन्गेस्ट मेरे हिसाब से यार. मेरे को यार गेंगार बहुत ज़्यादा पसंद है. आप लोगों को गेंगार पोकेमॉन कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में अपना राय बताइएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा, ठीक है. ऑलराइट, लेट्स कैच हिम. घोस्टली क्यों बोल रहा हूँ यार, घैसली भी नहीं यार, गैसली. ओके, गैसली को मैंने इसी के साथ पकड़ लिया यार. ऑलराइट, एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन भी मेरे टीम में आ गया है. एंड थोड़ा सा और आगे जा करके देखूँ क्या,
मे बी और भी खतरनाक वाले पोकेमॉन मेरे को देखने को मिल सकता है। एंड ये जो वुल्वरीन का पंजा है ये मेरे बहुत काम, वो तो ओनिक्स है। अरे गाइस मुझे ओनिक्स को पकड़ना है, मैं ओनिक्स को पकड़ने के लिए डेफिनेटली जाऊंगा यार। ओ शेट गाइस, सेबर टूथ आ गया ना यार, शेट यार सेबर टूथ यार, ऐसा मत किया करो यार, वो ओनिक्स फिर से गायब हो जाएगा यार जब जब मैं ओनिक्स को देखता हूँ ना। एंड यार ये चींटियां कलेया फिर से आ गए ना यार, अरे मुझे अपने पंजा का यूज़ करना ही पड़ेगा। वैसे गाइस मैंने पंजा मार के एक सेबर टूथ को तो हरा ही दिया, मुझे चाइजर्ट का मदद नहीं चाहिए, मैं पंजे से ही इन सारे के सारे सेबर टूथ और चींटियां कलेया वे को मार पाऊंगा। चाइजर्ट मार 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 जल्दी से मार, पर क्या चाइजर्ट टाइम लगाएगा यार, ये बहुत ज़्यादा घूम घूम के मारता है चाइजर्ट। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना पंजा यूज़ करके ही इसको मार देता हूँ यार, इन चींटियों कलइयों को। ऑल राइट, आजा आजा चिट्टी आजा, ओके ख़त्म। तो चलो आप यार चलते हैं यार, ओनिक्स को पकड़ने के लिए जाना है। वेट वेट चाइजर्ट, वेट 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 वेट, जल्दी से जान लेते हैं गाइस, ओनिक्स गायब हो जाएगा नहीं तो। लेट्स गो चाइजर्ट बॉय, लेट्स गो बॉय, मजा आने वाला है गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज खेलने में यार। एंड मेरे को ये आवाज़ बार बार क्यों सुनाई दे रहा है, एक मिनट गाइस ये तो पायरोड है, एक मिनट ये पत्थर के अंदर फंसा हुआ है इसलिए गाइस मैं इसको पकड़ पा रहा हूँ। एंड कैप्चर्ड फेल, गाइस मैंने बोला था ना पायरोड एक बहुत ही स्ट्रांग पोकेमॉन है, मैंने कब बोला था ये, वैसे गाइस हाँ अब बोल रहा हूँ कि पायरोड इज अ वेरी स्ट्रांग पोकेमॉन। अब गाइस मैं पायरोड को अंदर लेके कैसे जा सकता हूँ यार। ओके गाइस मैंने पायरोड को यार फाइनली डायनो स्टोरेज बॉल के अंदर कर लिया हूँ। गाइस पायरोड सीरियसली एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन है। एंड जैसे कि यार मुझे एक डर था कि यहाँ से ओनिक्स गायब हो जाएगा, ओनिक्स लिटरली गायब हो चुका है। तो चलो गाइस इन अर्जेंटा विजुआ को मारते हैं। गाइस दोनों अर्जेंटा विज को क्या ही ऑसम तरीके से मार दिया ना, चाइजर्ट इज़ वेरी ओपी यार। चाइजर्ट का ना एचपी अगर हाई होता ना तो यार ये रेकवाइजर से भी लड़ पाता यार। एंड यहाँ पे और एक राइचू है तो मैं काम करूँगा, मैंने अभी तक अपने राइट चेस्टनॉट। एंड एक भाई ने कमेंट करा था, भाई का कमेंट मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट देने वाला हूँ, भाई शॉर्ट आउट टू यू। एक भाई ने कमेंट करा था कि बोल भाई चेस्टनॉट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन इन पोकियार्क, इसको क्या बोले पोकियार्क मॉड, ठीक है। तो इसलिए मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को पकड़ लिया। आज ये स्ट्रॉन्गेस्ट है कि नहीं ये मालूम चल जाएगा जब रेकवाजा आएगा, मैं इसको ही भेजने वाला हूँ, ठीक है। ऑल राइट, तो गाइस अब मैं अपना जो अभी पकड़ा हुआ राइचू है उसको निकालने वाला हूँ। उसको निकाल करके गाइस यहाँ पे और एक राइचू है उसको मैं उस राइचू के साथ बैटल करवाने वाला हूँ, ठीक है। मतलब मेरे वाले राइचू को उस वाले राइचू के साथ बैटल करवाने वाले हैं, ठीक है। फटाक से इसको लेवल अप कर लेते हैं। ऑल राइट, अब हीलिंग पेस पिलाते हैं इसको। यस हीलिंग पेस इज डन। एंड चलो गाइस अब बैटल करवाते हैं। ऑल राइट राइचू, कम ऑन फॉलो कर। ऑल राइट, तो ये है राइचू। अरे ये तो मर ही जाएगा शायद से, मैं इसको अटैक करने के लिए बोल रहा हूँ। अरे चार्जर टू क्यों जा रहा है गाइस, ये चार्जर, अरे गाइस मुझे चार्जर को अंडर कर लेना चाहिए। चार्जर मार मत देना यार, चार्जर वैसे भी मार देता यार। ओके अब चार्जर राइचू जा रहा है। यस राइचू अटैक कर। अरे गाइस गाइस ये तो इलेक्ट्रिक थंडर टेल है ना, थंडर टेल नहीं, इस मूव का नाम कुछ अलग था यार, आयरन टेल नहीं, कुछ तो था गाइस, थंडर कुछ था, इलेक्ट्रिक टेल नहीं। एंड ये इलेक्ट्रो बॉल नहीं फेंक सकता क्या। एंड इस वाले राइचू के ऊपर मैं लिटरली गाइस राइड ले पा रहा हूँ यार। एंड ये वाला राइचू क्या पहले वाले राइचू से यार स्ट्रांग है, और एक बार मारते हैं। ये थंडर टेल ही बोलता हूँ, ठीक है, मैं अभी के लिए थंडर टेल ही बोलता हूँ। चलो मार 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 राइचू मार इसको। वाओ गाइस खतरनाक वाला डैमेज भी दे रहा है यार, अच्छा खासा डैमेज दे रहा है यार। ओ लिटरली यार राइचू तू तो बहुत पावरफुल है, सीरियसली यार। अरे मुझे यार पिकाचू राइचू पीचू, यस मतलब ये प्रजाति मेरे को पसंद बहुत आता है यार। एंड पिकाचू क्यों पसंद नहीं आएगा यार, ऐश का पोकेमॉन है, ऐश कैचम का है ना, हम लोग बचपन से यार पोकेमॉन देखते आए हैं। एंड पिकाचू इज माई फेवरेट, वाज माई फेवरेट एंड ऑलवेज बी माई फेवरेट पोकेमॉन यार। पिकाचू एक इमोशन है ना गाइस, पिकाचू इमोशन है कि नहीं गाइस, है ना। ऑलराइट गाइस आप कौन से वाले पोकेमॉन को निकालोगे, चलो इसको निकालते हैं, पायरोड को निकालते हैं। एंड पायरोड के ऊपर मैं राइड नहीं ले पाऊंगा बिकॉज गाइस पायरोड का वेट देख सकते हो काफ़ी कम है, एंड थोड़ा बहुत ही वेट बढ़ा है, बट गाइस ये काफ़ी स्लो तरीके से जा रहा है, ऐसे तो यार बिल्कुल भी मुझे नहीं जाना है। तो इसके यार बॉडी से अभी उतरते हैं, वैसे दिखने में भी काफ़ी बढ़िया है। ये लेवल अप जब होता है ना गाइस तो यार अच्छा अच्छा पोकेमॉन इसके सामने यार ढेर हो जाता है, फेंट हो जाता है। ऑलराइट पायरोड तू पावरफुल है ये तो मुझे पता है, बट तेरे को और पावरफुल मुझे बनाना पड़ेगा। अब मेरे आदमी को क्या हो गया भाई, ये कैसे उड़ रहा है यार, उड़े क्या हो गया। Later that same evening. Meanwhile. गाइज यार तब से मैं एक पावरफुल पोकेमॉन के खोज में हूँ एंड मुझे और एक पावरफुल पोकेमॉन चाहिए। एक मिनट यार ये फ्रॉकी का आवाज़ मेरे को क्यों सुनाई दे रहा है यार, क्या यहाँ पे एक फ्रॉकी है,
डेफिनेटली गाइस यहां पे एक फ्रॉकी है यार। अरे वो रहा यार, अरे गाइस वो रिकॉइस, ये तो शाइनी फ्रॉकी है। एक मिनट यार, अरे फ्रॉकी 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 हैं, ये कुछ बोलना चाहता है यार। फ्रॉकी फ्रॉकी फ्रॉकी, अरे फ्रॉकी क्या हुआ गाइस, ये मुसीबत में है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गाइस ये मुसीबत में है? फ्रॉकी तू मेरे टीम में आना चाहेगा? ओके, तो गाइस आई थिंक ये मेरे टीम में आना चाहता है, तो मैं काम करता हूँ गाइस, मैं ना इसके ऊपर अभी यार पोकी बॉल फेंकता हूँ एंड इसको पकड़ लेता हूँ। गाइस एक पावरफुल पोकेमॉन का खोज में था एंड मुझे पावरफुल पोकेमॉन मिल ही चुका है। एंड ये पावरफुल पोकेमॉन कौन है गाइस, यार कौन बनेगा गाइस? ग्रेनिंजा बनेगा यार, एंड मैं ग्रेनिंजा को मेगा ग्रेनिंजा भी बनाने वाला हूँ एंड ये मेरे टीम में डेफिनेटली आएगा। यार एंड गाइस फाइनली मैंने फ्रॉकी को पकड़ लिया। यहाँ पे तो बहुत सारे गाइस इलेक्ट्राइक है। ओके फ्रॉकी, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को डेफिनेटली बचाऊंगा, ठीक है, डू नॉट वरी। अब गाइस मुझे हेल्प करना पड़ेगा यार फ्रॉकी को। मैंने चेस्टनट को इधर निकाल लिया हूँ एंड चेस्टनट के ऊपर मैं राइड ही नहीं ले पा रहा हूँ यार। अरे यार गाइस, क्योंकि इसका वेट काफ़ी यार काफ़ी कम है तो यार राइड तो नहीं ले पाएंगे, पर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ यार, इसको मुझे कमान देना पड़ेगा, ठीक है, कमान ही देंगे एंड ये कमान सुन करके अटैक करने वाला है। सो लेट्स गो, पहले इसको हीलिंग पेस्ट भी तो पिलाना पड़ेगा। ओके, ये मेरा बात सुन तो रहा है ना? ऑल राइट बडी, यू आर लिसनिंग टू मी राइट? भाई पता नहीं यार ये मेरे बात सुन रहा है कि नहीं, बट यार हमें इलेक्ट्राइक को मारना है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो गाइस, ये मेरे बात, ओह यस यस यस, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, हमें यहाँ पे इलेक्ट्राइक्स को मारने हैं। एंड अरे 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 हार्डियर हार्डियर, ये हार्डियर इतना भाग करके क्यों गया यार? एंड यहाँ पे जो इलेक्ट्राइक्स थे वो कहाँ पे चले गए गाइस? यहाँ पे जो इलेक्ट्राइक्स थे वो कहाँ पे चले गए यार? क्या उस हार्डियर ने मार दिया यार? अरे बेचारे इलेक्ट्राइक यार। एंड गाइस ओरे, वहाँ पे तो एक पानी में इलेक्ट्राइक फंसा हुआ है यार। यहाँ पे कितने सारे इलेक्ट्राइक मरे पड़े हैं, शायद से उस हार्डियर के बच्चे ने मारा होगा यार। वो बच्चा तो नहीं था, बट यार कितने प्यारे हैं यार इलेक्ट्राइक यार, इन लोग को मार दिया यार। बट यार मैं एक नाइंसाफी तो नहीं होने दे सकता हूँ यार, फ्रॉगी को अटैक कर रहे थे ये लोग, बट गाइस मुझे इस वाले इलेक्ट्राइक को डेफिनेटली हेल्प करना ही पड़ेगा, मैं उसको पकड़ने वाला हूँ। क्योंकि इलेक्ट्राइक का इवोल्यूशन फ्रॉम मैनेक्ट्रिक है एंड मैनेक्ट्रिक एक मेगा इवॉल्व मैनेक्ट्रिक भी बन सकते हैं, ठीक है। और गाइस मुझे नीचे जाना पड़ेगा यार, बोल भाई का डेल बहुत ही कमाल का है यार, तो इसको मैं डेफिनेटली पकड़ने वाला हूँ। तो गाइस इस बात के लिए गाइस एक लाइक जरूर से कर देना अगर नहीं किए हो अभी तक, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर ही दिया होगा लाइक। तो गाइस इसको मैंने पकड़ लिया हूँ, ये मेरे टीम में आ चुका है, अब मजा आने वाला है ना गाइस, अब मजा आने वाला है। डोस भले ही तूने फ्रॉकी को अटैक किया था, बट अब फ्रॉकी और तू एक साथ बड़ा होने वाला है, एक साथ तुम लोग को ट्रेन करके शक्तिशाली बनाने वाला हूँ, ठीक है। ऑलराइट गाइस ऊपर चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो गाइस लेट्स गो। एंड गाइस ये फिर से आवाज मेरे को क्यों सुनाई दे रहा है? मेरे को ऐसा क्यों फील हो रहा है कि गाइस ये रेकवाजा का आवाज है? सही में कैसी रेकवाजा का आवाज है क्या गाइस? जिसका डर था वही हो गया गाइस, रेकवाजा इधर आ गया। अब चेस्टनट को तो यार डो फटके में लिटरली गाइस, इतने शक्तिशाली चेस्टनट को डो फटके में उड़ा दिया है। इसका एचपी पॉइंट 15K है, 800 लेवल का है। एंड ये लूनार्टिस, ये क्या था गाइस? यहाँ पे एक पोकेमॉन मेरे को नजर आया लूनार्टिस, पता नहीं वो कौन सा पोकेमॉन था, बट यार लूनार्टिस लूनार्टिस छोड़ो गाइस, ये रेकवाजा मेरे को अटैक कर रहा है, ठीक है। रेकवाजा इज अटैकिंग मी एंड मैं क्या बढ़िया तरीके से उड़ रहा हूँ यार। गाइस अब तो यार नेक्स्ट एपिसोड में ही इसको हराना पड़ेगा, ठीक है। एंड चिट्टियाँ कर लिया वे, तुम लोग मेरे को चेस मत करो, ठीक है। अब गाइस पता नहीं अब क्या ही होने वाला है यार, क्या गाइस मैं रेकवाजा को हरा पाऊंगा? ओ नो गाइस, ये रेकवाजा फिर से आ रहा है मेरे को चेस करते हुए। आई डोंट थिंक सो गाइस, मैं आज इस रेकवाजा को हरा सकता हूँ। एंड यहाँ पे यार पिरानास मेरे को अटैक कर रहे, चलो जल्दी से खत्म करते हैं इन पिरानास को। एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, नेक्स्ट वाले एपिसोड में डेफिनेटली गाइस मैं रेकवाजा को हरा करके पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। अरे अरे गाइस ये तो मेरे को मार रहा है, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अरे यार मैं मरने वाला हूँ गाइस, बाय बाय।